हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखना सिखाएंगे जिसका टॉपिक है भ्रष्टाचार। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में दिया जाता है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार संसार में जघन्यतम यानी भयंकर से भयंकर काम कर सकता है। किसी की हत्या, मारकाट, लूटपाट, हेराफेरी इसके अनगिनत रूप है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रस्तावना। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। यानी कानून के अगेंस्ट में, कानून को ना मानकर अगर कोई गलत काम करता है, जो व्यक्ति करता है उसे ही भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रही है। यानी दिन प्रतिदिन हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप है, जैसे रिश्वत यानी रिश्वत लेना, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, वस्तुओं का दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना। यानी बहुत प्रकार के बच्चों ये भ्रष्टाचार होता है, जैसे व्यापार में भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही में भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार आदि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। जैसे व्यापार में भ्रष्टाचार किस प्रकार से, देखिए व्यापार में भ्रष्टाचार होता है। कुछ बेईमान लोग सिंथेटिक दूध बेचकर यानी वस्तुओं पर मिलावट दूध बेचकर, सिंथेटिक दूध बेचकर लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस दूध में यूरिया तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कुछ समय पूर्व दूरदर्शन पर यानी टीवी पर तथा समाचार पत्र में बताया गया था कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो धन कमाने के लिए करोड़ों लोगों को धीमा जहर पिला रहे हैं। नकली दवाइयां खाकर लाखों लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार से व्यापार में भ्रष्टाचार होता है। हम तो इसको लिखे नहीं हैं लेकिन आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये सब जानना जरूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक भ्रष्टाचार। सामाजिक भ्रष्टाचार में सबसे पहले आएगा दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा जो है ये क्या है, ये भी तो एक भ्रष्टाचार है। जो भी मतलब आज भी कम दहेज वाली लड़कियों को बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। उसी प्रकार नौकरशाही में भ्रष्टाचार, मतलब आज किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में आप चले जाइए तो आपको भ्रष्टाचार नज़र आ जाएगा। भेंट चढ़ाए बिना यानी पैसा दिए बिना कोई भी काम जल्दी नहीं होता है। हर काम के रेट निश्चित रहता है। चपरासी से लेकर बड़े साहब तक पैसा खाने में तैयार रहते हैं। बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करने खोजता है। हर कोई भ्रष्टाचार की बहती नदी में डुबकी लगाने के लिए आतुर रहता है। यानी बच्चों आजकल नौकरी चाकरी में भी घूस दिए बिना कोई भी काम जल्दी नहीं मिलता है। उसी प्रकार राजनीति में भ्रष्टाचार, ये देखिए किस प्रकार होता है। राजनीति भ्रष्टाचार आज सबसे ज़्यादा ही चर्चा में है।
राजनीतिज्ञों पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लग रहे हैं। घोटाले पे घोटाले जनता के सामने आते रहते हैं। तो बच्चों, इतने प्रकार के आप भ्रष्टाचार के बारे में जान लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार के कारण, इसका क्या कारण है। लोग ऐशो आराम में जीने के लिए तथा झूठे दिखावे के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए तथा परिश्रम किए बिना धन उपार्जन करने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लेता है। कई लोग गरीबी, भूखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भयंकर से भयंकर काम कर बैठते हैं, यानी गलत काम कर बैठते हैं, अपना ज़्यादा अपने आप को अमीरी दिखाने के लिए, समाज में अपना प्रतिष्ठा पाने के लिए, बिना मेहनत का पैसा कमाने के लिए, ये सब क्या करते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। बेईमान व्यापारी लोग अधिक धन कमाने के लिए खाने पीने की सामान्य वस्तुओं में मिलावट करते हैं। कुछ देर पहले जो हम बोले, दूध में मिलावट, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट, इस प्रकार से फल सब्जी सारे चीज़ में मिलावट हो रही है। जितने भी खाने का सामान है उसमें भी मिलावट कर दे रहे हैं, केवल अपने पैसा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सब व्यापारी वर्ग के लोग करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, यानी इसके ऊपर क्या खराब इसका परिणाम हो सकता है, उसको जानिए। भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग के पास काला धन अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है। इस काले धन के कारण अनैतिक व्यवहार जैसे मद्यपान, मिलावट एवं अन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपने उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की जकड़ में है। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का असर आज देश की सुरक्षा पर पड़ रहे हैं, अतः जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, भ्रष्टाचार दूर करने का उपाय, क्या उपाय है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नांकित उपाय अपनाए जाने चाहिए। पहला पॉइंट है देशभक्ति की भावना भरना। हर नागरिक देश को महान समझे और उसके गौरव को बनाए रखने के लिए तत्पर रहे। सेकंड पॉइंट, कठोर कानून बनाना। कानून को इतना कठोर बना दिया जाए कि हर अपराधी को उसके अपराध की सजा मिल सके। थर्ड पॉइंट है, सरकार द्वारा सभी सरकारी व निजी संस्थानों, दुकानदार, बिजनेसमैन, डॉक्टर आदि को अपने यहाँ पर CCTV कैमरा लगाने का आदेश जारी किया जाए, ताकि कोई भी अगर गलत काम होगा तो उस कैमरा में दिखाई पड़े। फोर्थ पॉइंट देखिए, स्वदेशी चिंतन अपनाना। भारत में बनी हुई चीज़ों को क्रय करने की भावना प्रत्येक व्यक्ति में जागृत की जानी चाहिए। अपना देश का सामान को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे देश का पैसा देश में रहेगा और देश की समृद्धि बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है, सामाजिक बहिष्कार। भ्रष्ट व्यक्ति का समाज से बहिष्कार किया जाए, यानी समाज से निकाल देना चाहिए। उसके साथ रोटी रोजी आदि किसी प्रकार का व्यवहार ना किया जाए, यानी ना ही उसको रोजगार दिया जाए और ना ही कोई सुख सुविधा उसको दिया जाए, बल्कि उसको समाज से निकाल दिया जाए, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसको। और अंत में, लास्ट में हम देखेंगे उपसंहार। हर प्रकार के भ्रष्टाचार से समाज को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास हर देशवासी को करना चाहिए। ना भ्रष्टाचार करे ना करने दें।
तो बच्चों इस निबंध को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा अच्छा पढ़ाई मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।